नमस्कार, पोल खोल पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद भारतीय रेलवे की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया। रेलवे ने चीन की कंपनी को डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर का ठेका रद्द करने का निर्णय लिया है। चीन की कंपनी CRCD को मुगलसराय कानपुर खंड में सिग्नल लगाने का काम दिया गया था। यूपी स्पेशल टास्क फोर्स के सभी कर्मचारी अपने और अपने परिजनों के मोबाइल से चीनी मोबाइल ऐप हटाएंगे। इस संबंध में UPSTS की ओर से एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा है कि समस्त अधिकारी और कर्मचारी को आदेश किया जाता है कि वो अपने और अपने परिजनों के मोबाइल फोन से ये एंड्रॉइड ऐप तत्काल हटा दें। गृह मंत्रालय द्वारा इन ऐप को इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई। ये सभी ऐप चाइनीज है और इनके द्वारा आपके मोबाइल से आपका व्यक्तिगत एवं एंड डाटा चुराए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के मेनदाता अस्पताल में भर्ती मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की सेहत में शुक्रवार को बहुत मामूली सुधार हुआ। उनकी हालत स्थिर बनी हुई है, लेकिन अभी भी उन्हें वेंटिलेटर से हटाया नहीं गया है। मेनदाता अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राकेश कपूर ने PTI भाषा को शुक्रवार को बताया कि राज्यपाल की हालत में बहुत मामूली सुधार है, लेकिन उन्हें अभी भी वेंटिलेटर से हटाया नहीं। में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। 27 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, इनमें 5 महिला 22 पुरुष शामिल है। इनमें यूपी के 112 में तैनात एक कर्मचारी, गोमती नगर विस्तार निवासी एक पुलिस कर्मी के अलावा पूर्व मंत्री शैलेंद्र यादव का पोता व भाई भी संक्रमित पाए गए हैं। साथ ही एक पूर्व सांसद की सुरक्षा में लगे एक जवान भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। यह जवान PSC का है और कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद से आया था। एक दर्जन के करीब इलाकों में कोरोना संक्रमित मिले हैं। अड़सी में गुरुवार को 11 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 300 का आंकड़ा पार करते हुए 304 हो गई है। 2 और लोगों को कोरोना से मौत हो गई। इससे कोरोना से मरने वालों की संख्या भी दहाई में पहुंच गई है। यूपी के चुनिंदा जिलों में ही 10 या उससे ज्यादा लोगों की कोरोना से जान गई है। जिले में अभी तक 218 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 76 हो गई है। नए मरीज के कारण 7 नए हॉटस्पॉट बनाए जा रहे हैं, इनमें ज्यादातर शहरी इलाके में हैं। उत्तर प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहे पोल खोल पोस्ट। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर।